शहर में गंगा यात्रा के स्वागत की तैयारियां जिले में हर स्तर पर शुरू हो गई हैं। किनारे के गांवों को स्वच्छ रखने के लिए यहां विशेष अभियान कई विभागों ने मिलकर शुरू किया है। वहीं गंगा घाटों की मरम्मत कर भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है। कमिश्नर अनीता श्री मिश्रा खुद गंगा यात्रा को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए यहां पहुंची है। जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में आयुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ प्रदूषित पानी गंगा में ना गिरने देने के लिए चेतावनी के साथ आदेश दिए हैं। मंडल आयुक्त ने कहा कि गंगा किनारे के सभी 32 गांवों को स्वच्छ रखने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए और सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। किनारे के सभी गांवों में सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। आयुक्त ने सख्ती से निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में गंगा में प्रदूषित पानी नहीं गिरना चाहिए, ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इसके अलावा गंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए एसएसपी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया। उधर डीएम रविंद्र कुमार ने जनपद में यात्रा के स्वागत के लिए जा रही तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई। बैठक में मुख्य रूप से एसएसपी संतोष कुमार, सीडीओ सुधीर कुमार रंगूटा, एसडीएम वित्त मनोज सिंघल, एसडीएम प्रशासन रविंद्र कुमार अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने गंगा किनारे के 8 गांवों में गंगा यात्रा के स्वागत के लिए खेल मैदान भी विकसित किए हैं। यात्रा के स्वागत और आरती के लिए स्याना, अनूप शहर और डिबाई क्षेत्र में गंगा किनारे बने घाटों को भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इन घाटों पर व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। गंगा यात्रा 28 जनवरी को स्याना क्षेत्र के गंगा किनारे के गांव भैसोड़ा में दोपहर के समय पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा सड़क मार्ग से राजघाट तक जाएगी, जबकि मस्तराम घाट से बसी घाटी तक यात्रा स्टीमर से आगे बढ़ेगी। इसके बाद नरोरा में रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। यात्रा के स्वागत के दौरान गंगा घाटों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जनपद में गंगा यात्रा की तैयारियों को लगभग पूर्ण कर लिया गया है। जो कार्य अधूरे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। गंगा में प्रदूषित पानी गिरने पर पूरी तरह से रोक है, ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बुलंदशहर से जिला संवाददाता राशिद खान की रिपोर्ट। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक गंगा यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसमें इधर बिजनौर से लेकर कानपुर तक और उधर बलिया से लेकर कानपुर तक गंगा यात्रा चलेगी। तो उसी की तैयारी समीक्षा के लिए यहाँ पर आज समीक्षा की गई है। इसमें मेरठ मंडल में जो गंगा यात्रा मेरठ में और हापुड़ और बुलंदशहर में यात्रा गुजरेगी, तो उसी तैयारी की समीक्षा करने आए थे। इसमें यात्रा जो है सड़क से भी चलेगी, जल मार्ग से भी चलेगी उसमें, और उसमें बहुत सारे विभाग जैसे पंचायती राज है, वन विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, जो गंगा ग्राम है उन सब गाँव में भी एक्टिविटीज़ पैरेलली गंगा यात्रा के साथ साथ चलेंगी। तो एक वृहत कार्ययोजना जिलाधिकारी द्वारा बनाई जा रही है इस सभी विभागों को मिला जुला कर, तो उसी की समीक्षा करने के लिए आ जाए थे, जिससे यात्रा जो है सफलतापूर्वक इसका आयोजन मुख्य अतिथि के तौर पर कौन रहेंगे? अभी देखिए इसमें बहुत ही वृहत आयोजन है कि स्वागत भी है, बहुत जगह जनसभाएँ भी हैं, गंगा आरती भी है और कानपुर में यात्रा समाप्त होगी। इसलिए हर पॉइंट पे कहाँ कहाँ पर जो डिग्निटरीज या मुख्य अतिथि आएंगे वो अभी शासन द्वारा उसका निर्धारण किया जा रहा है। अभी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं पूरी। उसके जनपद में यात्रा कितना प्रवास रहेगा? यहाँ पे गंगा यात्रा 28 को दोपहर में पहुँचेगी, रात्रि विश्राम करेगी बुलंदशहर में और अगले दिन सुबह अलीगढ़ को प्रस्थान करेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।